HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। इनामी नक्सली अमरजीत यादव ने कहा है कि भाकपा माओवादियों में बड़े नेता अपना और अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाकपा माओवादियों का प्रभावी तेजी से कम हो रहा है। 10 लाख के इनामी नक्सली अमरजीत यादव सहित 5 नक्सलियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल कमांडर भाकपा माओवादी। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो सभी बिंदुओं पे होती है, और जो हमारे इन माओवादी जो सरेंडर किए हैं या जो मारे गए हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से जो बातें आती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली माओवाद को शरण देते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। संगठन में जुड़े अपना विवाद के लिए, जमीनी विवाद के लिए, और झारखंड पुलिस के जो ऐसे बोलेगा तो नहीं, बोल ही नहीं पाएगा, सरेंडर कर रहे हैं उसको पड़ोसी के साथ हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 17 कौन आईडी उठा लिया रे, देखिए ऊपर देखिए क्या स्थिति है संगठन की आपके उधर कोलेश्वरी क्षेत्र में। बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग पैसेबाजी में पड़ गए हैं और कुछ बाहर में घर मकान बना रहे हैं। कोलेश्वरी में थे 4 गो, जो भी हथियार था वो लेकर के हम आत्मसमर्पण कर गए। बहुत अच्छा हम देखे, जो पड़ोसी है झारखंड सरकार के वो बहुत हम अच्छा समझे, वही समझ बूझ करके हमको घर परिवार भी लगल था, हम लोग पर दबाव दे रहे थे, हम अपना सोच समझ करके आत्मसमर्पण किए। यही है, ये नेता लोग का कोई समर्थन आप लोगों को प्राप्त होता था? नहीं, हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलता था। 2006 में संगठन के स्थिति तो बिल्कुल मैंने अब अथी हो गया, कुलेश्वर जो पूरा वहाँ ए भाई माइक को नीचे कर ले भाई, जो झारखंड का अधि इंदर पड़ोसी है अब वहाँ चतरा का बड़ी पूरा अधीक्षक पुलिस का है ना, उसके सहारा से हम लोग आए, अच्छा भी लगा। अच्छा तो कैसे जुड़े थे इसमें? जमीनी विवाद था। कितना साल हो गया आपको जुड़े हुए? 2008 से जुड़े थे। क्या क्या में जो बड़ा कांड जो सामने देखिए सामने इस तरह हम लोग ने जो बड़ा बड़ा नेता बड़ा बड़ा लीडर है लोग उस तरह से उसके नेतृत्व हम लोग रहते थे, हम लोग कोई और वैसा नेतृत्व में कोई लड़ाई नहीं हुआ। कब जुड़े थे माओवाद? 2016 में जुड़े थे। कैसे जुड़ गए, क्या हो गया? वो घर में गांव घर में जमीन का विवाद था तो संगठन वाले लोग जाते थे तो हमने अपना समस्या को रखे तो उन लोग बोले कि समस्या चलो मेरे साथ में हल कर देंगे, लेकिन हम लोग उसी मनाथी में रह गए, उनके झांसा में पड़े हुए रह गए, लेकिन आज तक हम लोग का समस्या ये निदान और हल नहीं हुआ। इसलिए हमारे चतरा SP साहब और चतरा के हमारे जो जितने मनो पुलिस अधिकारी जो भी हैं वो हम लोग का घर तक संदेश पहुंचाने के काम किए और हमारे घर वाले भी हमारे तक संदेश पहुंचाए, जब हम चतरा SP साहब को संदेश को अच्छी तरीक़ा से समझ गए, आत्मसमर्पण का पॉलिसी को समझ गए तो हम आत्मसमर्पण करने का इच्छा जाहिर करें। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।